उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी। और अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी से कि आप आए, आपके मंत्रालय के द्वारा आज इतना बड़ा आयोजन हुआ है। माननीय मंत्री जी, आज के इस सामाजिक अधिकारिता महाकुंभ के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित आशीर्वाद दाताओं, भाइयों बहनों और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, आज का ये महाकुंभ देश और दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महाकुंभ है। आज के पहले हमने देश भर में 8,500 से ज्यादा ऐसे कैंप आयोजित किए हैं, 15 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार उनके सशक्तिकरण के लिए उनको उपकरण उपलब्ध कराए। आज के इस महाकुंभ में 26,500 से अधिक 26,874 लोगों को 56,000 से अधिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनकी लागत 19,37,00,000 से अधिक है। आज के इस महाकुंभ में हमने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इसके पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इन 5 सालों में ये रिकॉर्ड बने हैं, इसके पहले किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मोदी जी के मार्गदर्शन में इस विभाग की पहचान देश और दुनिया में बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज के इस शिविर में, आज के इस महाकुंभ में दिव्यांगजनों को और वरिष्ठ नागरिकों को उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए उपकरण उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता हूं, इतना जरूर बताना चाहता हूं कि आज जो 3 रिकॉर्ड बने हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो है, पहला है हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिल को 1.8 किलोमीटर चला करके एक रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा रिकॉर्ड बनाया है हाथ से चलने वाली 626 ट्राईसाइकिल को योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों तक पहुंच पाएगा। एक और विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक दिव्यांगों की सही पहचान नहीं होती थी, जो परिचय पत्र बनते थे वो केवल जिला लेवल पर बनते थे और जिस जिले में बनता था उस जिले के बाहर वाले किसी भी जिले में वो मान्य नहीं होते थे। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता था। हमने तय किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे, चाहे वो प्रयागराज में कार्ड बना हो, परंतु बंबई में किसी जिले में जाकर के लाभ लेना चाहे तो उस जिले में जाकर के भी वो लाभ लेने के लिए पात्र होगा। इस प्रकार के कार्ड बनाने का काम देश भर में प्रारंभ किया गया है। 34 राज्यों में लगभग 25 लाख से ज्यादा ऐसे यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाकर हमने दे दिए हैं, बाकी लोगों को भी देना है। उन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दिलवाने में आप सहभागी बनेंगे तो बड़ी कृपा होगी।
आप और हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि कोई भी सरकार की योजना, चाहे राज्य सरकार की हो या भारत सरकार की हो, जब जनभागीदारीता उसमें सम्मिलित हो जाती है तो वो योजना कारगर सफल होती है। योजना को सफल करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप सब अपने आप को उसमें प्रतिभागी बनाएं, सहभागी बनाएं और सहभागिता निभाने की कोशिश करें। दिव्यांगों की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है, वरिष्ठ नागरिकों की सेवा ईश्वर के सेवा के बराबर है। मैं आपसे अनुरोध करते हुए अपील करता हूं कि आप इस दिशा में मेरे विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनको कार्यान्वयन करने में सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद प्रदान करें। समय की मर्यादा है, इसके अलावा मैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, कहने के लिए बहुत कुछ है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने इन 6 सालों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का उदाहरण तो मैं आपको दे रहा हूं, 3 आज और बन गए हैं, ये 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इसके अलावा बहुत सारी ऐतिहासिक उपलब्धियां हमने हासिल की है, वो आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं अपने उत्तर प्रदेश के जनमानस में लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आपको संबोधित करें, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संगम नगरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उन्हीं की कर्म भूमि के इस प्रदेश में मैं आप सभी प्रदेशवासियों की ओर से, दिव्यांग जनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी, भारत सरकार के ही सभी माननीय मंत्रीगण श्री कृष्णपाल जी, श्री रामदास अठावले जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती पटेल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत वर्ष इसी समय प्रयागराज कुंभ ने अपनी भव्यता और दिव्यता का एक नया परचम दुनिया के सामने लहराया था। कुंभ का शुभारंभ और कुंभ के समारोह के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रयागराज वासियों को और सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ था और उन्हीं के मार्गदर्शन का परिणाम था कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में करने पर हमें सफलता प्राप्त हुई थी। सैकड़ों वर्षों के बाद अक्षय वट जो प्रयागराज की पहचान थी, वो अक्षय वट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल पाया और यही नहीं, सरस्वती कूप तक भी जाने के लिए सभी श्रद्धालु जनों को एक मार्ग मिल पाया। गंगा की निर्मलता वास्तव में हरेक श्रद्धालु के मन को दशकों के बाद उन्हें अवसर प्राप्त हुआ कि उन्हें मां गंगा की निर्मल धारा को देखने का अवसर प्राप्त हो जाए,
या दुर्लभ संजोग अगर हमें प्राप्त हो पाया है देश के यशस्वी नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हो पाया। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग जनों के इस महाकुंभ में अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि दिव्यांग जनों के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग कहकर के उन्हें सम्मान देने के साथ साथ शासन में उनकी भागीदारी हो सके और शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके, मोटराइज ट्राई साइकिल की व्यवस्था जो आज यहां पे लगभग 900 दिव्यांग जनों को एक साथ प्राप्त हो रही है इससे पहले दुर्लभ था। एक साथ इतने हजार लोगों को यह अवसर एक साथ कृत्रिम अंग उपकरण और सहायक उपकरण एक साथ प्राप्त हो सके यह भी एक दुर्लभ क्षण है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का परिणाम है उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों को मिलने वाली जो पेंशन थी जो मात्र 300 रुपये थी उस पेंशन की राशि को 500 रुपये करने के साथ ही प्रदेश में 10,55,500 से अधिक दिव्यांग जनों को इस पेंशन की राशि प्रदेश की ओर से सभी दिव्यांग जनों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 5.5 वर्षों के अंदर देश के अंदर लगा कि दिव्यांग जनों के लिए भी कृत्रिम अंग उपकरण वितरित हो सकते हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर हर जनपद में बड़े बड़े कैंप और शिविर आयोजित किए आज उसका परिणाम है प्रयागराज में यह कई विश्व रिकॉर्ड के साथ दिव्यांग जनों का यह अद्भुत कुंभ हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन भी कर रहा है। भाइयों बहनों मोटराइज्ड ट्राई साइकिल में यहां पर जिन दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध हो रही है मैं धन्यवाद दूंगा यहां के दोनों माननीय सांसदों को माननीय विधायकों को जिन्होंने अपने स्वयं की निधि से भी दिव्यांग जनों को मिलने वाली जो सब्सिडी थी उस अनुदान में अपनी निधि को भी उपयोग करते हुए आज उन्हें मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है। हम सब इस विश्वास के साथ कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का जो एक संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार की है उसमें न जाति का न क्षेत्र का न भाषा का न मत का न मजहब का और न ही किसी प्रकार के लिंग का भेद किए बगैर किसी भी प्रकार के किसी भी भेदभाव से ऊपर उठ करके शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके तक और यहां तक कि दिव्यांग जनों को भी उसमें सहभागी बनाने की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की शुरू से ही संकल्पना थी उस संकल्पना का एक मूर्त रूप आज यहां पर इस दिव्यांग जनों के इस महाकुंभ के अवसर पर इस कुंभ नगरी संगम नगरी में देखने को प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की इस धरती पर उनके मार्गदर्शन के लिए उनके पधारने के लिए उनके मार्गदर्शन में जो भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है आज उस भव्य और दिव्य कुंभ का एक नया स्वरूप दिव्यांग जनों के इस भव्य कुंभ के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है। मैं उनका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे दिव्यांगजनों को वरिष्ठ नागरिकों को लाभार्थियों को अपना आशीर्वाद दें
प्रतीक स्वरूप उन्हें ये उपकरण प्रदान करके सब यहाँ पर जितने आज दिव्यांग जन वरिष्ठ हमारे नागरिक उपस्थित हैं उन्हें आशीर्वाद दें। सबसे पहले मंच पर सिविल लाइन्स प्रयागराज के राजेश, पिता का नाम श्री उमेश, इन्हें मोटराइज ट्राई साइकिल दी जा रही है। यह ट्राई साइकिल प्रदूषण रहित आधुनिक बैटरी चालित ट्राई साइकिल अस्थि बाधित दिव्यांगजनों के दूर तक आने जाने के लिए प्रदान की जाती है। उनके आशीर्वाद के साथ अब मैं आवाज देती हूँ मीनू निषाद। मीनू निषाद जेपी चौराहा प्रयागराज की निवासी, श्री रोशन लाल निषाद उनके पिता का नाम, मोटराइज ट्राई साइकिल इन्हें भी प्रदान की गई। यह 45 किलोमीटर तक एक बार चार्ज होने पर चलती है और प्रति घंटा इसकी गति 22 किलोमीटर है। इस मोटराइज ट्राई साइकिल के साथ ये हमारे दिव्यांग जन सड़कों पर भी जाते हैं, इन्हें हेलमेट भी प्रदान किया गया। रविंद्र पटेल, श्री रविंद्र पटेल जी, पिता श्री हरिकेश पटेल, इन्हें कृत्रिम अंग इस पैर के रूप में प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से ये सामान्य जनों जैसे ही चल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इन्हें ये कृत्रिम पैर भेंट किया गया और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। भरत कुमार, इन्हें राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दांतों का सेट, कृत्रिम दांतों का सेट, हियरिंग एड, श्रवण यंत्र, बैटरी के साथ फूट केयर यूनिट, स्पाइनल सपोर्ट और चश्मा, ये चीजें इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उनका नमन करते हैं। श्रीमती संगमित्रा सिंह, एडीए कॉलोनी नैनी प्रयागराज की, इन्हें भी श्रवण यंत्र, बैटरी के साथ वॉकिंग स्टिक, सीट के साथ एलएस बेल्ट, नी ब्रेस और चश्मा, ये सामान प्रदान किए गए, ये उपकरण प्रदान किए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। विजय प्रकाश सिंह चक बबुरा नैनी से हमारे बीच, इन्हें भी श्रवण यंत्र, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत इन्हें श्रवण यंत्र, वॉकिंग स्टिक विथ सीट, एलएस बेल्ट, नी ब्रेस और चश्मा, ये सहायक उपकरण इन्हें प्रदान किए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। विजय प्रकाश सिंह जी और इनके बाद नवनीत कुमार तिवारी जी। नवनीत कुमार तिवारी जी ओम गायत्री नगर प्रयागराज के, श्री भोलालाल तिवारी इनके पिता का नाम, इन्हें श्रवण यंत्र बैटरी के साथ प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करते हैं। विवेक मणि त्रिपाठी, पिता श्री इंद्रमणि त्रिपाठी, इन्हें स्मार्ट केन और स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। स्मार्टफोन आधुनिक दूरसंचार यंत्र दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए प्रदान किया जाता है। इस फोन में दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान हेतु टॉक बैक फीचर, प्रीलोडेड ऐप होते हैं जिन्हें सुनकर दिव्यांगजन फोन के विभिन्न फीचर्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। स्मार्ट केन एक फोल्डिंग छड़ी, सौभाग्यशाली माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी लेते हुए सच में विवेक मणि त्रिपाठी बहुत सौभाग्यशाली जिन्हें इतने सारे आशीर्वाद के साथ उनका मंच पर इतना स्नेह। बढ़चल बढ़चल मेरे साथी
पग पग बढ़ते जाएंगे, बढ़चल बढ़चल मेरे साथी पग पग बढ़ते जाएंगे, वंदे मातरम हम गाएंगे पग पग बढ़ते जाएंगे। सुनैना कुमारी, सुनैना कुमारी पिताश्री इनको भी डीजी प्लेयर, ये डीजी प्लेयर इस उपकरण के द्वारा, यह एक प्रशिक्षण उपकरण है जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग, ई रीडिंग, एफएम रेडियो तथा म्यूजिकल सिस्टम इत्यादि उपलब्ध है, जिसको दृष्टिबाधित दिव्यांगजन विद्यालय में इस उपकरण द्वारा ई बुक डाउनलोड करके सुनकर पढ़ाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं एडिप योजना के अंतर्गत। और सुंदरलाल जी, श्री सुंदरलाल जी राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत इन्हें व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और उसकी बैटरी तथा नी ब्रेस यानी घुटने पर बांधने वाला पट्टा माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप प्रदान। एक बार पुनः जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और सादर आप सभी को आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। और वक्त है पुनः जय घोष का। आज का दिन और तारीख स्वर्णाक्षरों में अंकित होगी देश के इतिहास में, जहां आज एक नहीं, दो नहीं, तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, जिसके साक्षी बने माननीय प्रधानमंत्री जी, संपूर्ण ये मंच और आप सब। मैं इनको बता दूं कि पहली बार बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों द्वारा निकाली गई ट्रायल साइकिल की परेड 300 की संख्या में, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़ी व्हील चेयर की लाइन जो दिव्यांग जन व वरिष्ठ नागरिकों द्वारा लगाई गई 400 की संख्या में, और एक घंटे में दिव्यांगों को सबसे ज्यादा ट्रायल साइकिल बांटने का रिकॉर्ड 600 ट्रायल साइकिल एक घंटे में बांटी, इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से अनुरोध करती हूँ, सर हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सर्टिफिकेट हमारे 626 ट्राई साइकिल बांटी गई, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिशियल्स को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इस रिकॉर्ड को जो आपने प्रमाणित किया है उसके साक्षी बने। जोरदार तालियों से हम मंच का अभिवादन करते हैं और बोलते हैं कि भारत माता की। और अब आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि आज हम सबको अपना आशीर्वाद दें माननीय प्रधानमंत्री जी। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, श्री रामदास अठावले जी, श्री कृष्णपाल जी, श्री रतनलाल जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और प्रयागराज में दूर दूर से पधारे मेरे भाई और बहनों, तीर्थराज प्रयागराज में आकर के हमेशा ही एक अलग पवित्रता